नमस्कार, प्रणाम। आप सभी साथी मित्र मित्रगण के बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, और आप सबसे प्यार दुलार के कामना बा। आई होप कि हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में खुशहाल होंगे। मैं लाइव जो आया हूँ, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ सबको क्लियर कर दूँ कि मेरा पेशा और मेरा काम सिर्फ कलाकारी है। मैं एक कलाकार हूँ, और एक कलाकार होने के नाते जिस तरह आप सबको अपनी बात रखने की आज़ादी है, उसी तरह हमें भी हमारी बात रखने की आज़ादी है। और हम एक कलाकार हैं, इसलिए हम किसी मजहब, किसी जाति, किसी धर्म, किसी भी चीज़ के ऊपर कभी भी ना टिप्पणी कर सकते हैं, ना ही किसी को हम अपमानित कर सकते हैं, ना ही हम कलाकार हैं। हमारा सिर्फ जीवन में एक ही काम है कि हर किसी का प्यार दुलार आशीर्वाद पाना। हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, और ये मेरा काम भी नहीं है। हम आज तक जितने दिन से आप लोग मुझे सुन रहे हैं, कभी आप लोगों ने नहीं देखा है कि हम पर्सनली कभी निगेटिव वे में, गलत वे में किसी भी चीज़ के ऊपर, गीत संगीत से भी मैं नहीं, दूर ही रहता हूँ। मेरा एक अपना तरीका है, मैं अपना काम करता हूँ। लेकिन एक बात है कि जैसे कुछ लोग हर चीज़ों को सोशल मीडिया पर लिखना है तो कुछ भी लिखते हैं, बोलते हैं कि आप समझते नहीं हैं, हम समझते नहीं हैं। आपकी भी समझ होनी चाहिए, क्योंकि आप हमारे प्यारे भाई हैं, प्यारे मित्र हैं, साथी हैं। आप कुछ भी हमारे सोशल मीडिया पर लिखते हैं, उसके आगे पीछे आप भी सोचिए। मैंने ये नहीं कहा कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। मैंने ये बोला कि किसी भी व्यक्ति को छोटा आंकना, किसी भी समुदाय को छोटा बोल देना, किसी का उपहास करना, किसी की फीलिंग्स को किसी भी तरह से बोल देना, ये एक माननीय बड़े व्यक्ति के लिए शोभनीय नहीं है। हो सकता है उनको लगता होगा कि उन्होंने सारी बातें अच्छी बोली होंगी, लेकिन उनमें से जो एक उनका वर्डिंग था कि छोटी फिल्मों के प्रमोशन कर रहे हैं। सर, कलाकार और फिल्में कभी छोटी नहीं होती है। समय छोटा बड़ा हो सकता है, बनाने वाले का समय छोटा बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया है, यहाँ पे तो बात बिना सोचे समझे हजार तरह की बात लिखने में कोई पैसा थोड़े लगता है। अपना अपना बात लिख देना है, अपनी अपनी वक्ता शुरू कर देना है। लेकिन मुझे जो लगा, मैंने किसी राजनीति के ऊपर बात नहीं की, मैंने किसी के ऊपर बात नहीं किया, मैंने बात किया कला के ऊपर। वो फिल्म है, उसका नाम क्या है, फिल्म है, वो कोई राजनीति चीजें वो सब हो सकता है, बाद में हो सकता है, मुझे उस पर कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी मजहब, किसी भी अपने भाई, अपने साथी, अपने प्रेम करने वाले लोगों से, मैं तो सबका हूं। लेकिन जिस तरह आपको अपनी बात रखने की अधिकार है, उसी तरह हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की अधिकार है। वो अगर सांसद या किसी भी पार्लियामेंट या किसी भी जगह जाके बोल रहे हैं तो उनका अपना स्थान है। हम सोशल मीडिया पे ही अपने दर्शकों से बात कर रहे हैं तो हमारा अपना जगह है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये सही या गलत जो भी है, तो ठीक है, चलिए आपने बोला कि एक छोटी सी फिल्म को लोग प्रमोट कर रहे हैं, वो फिल्म भी हो सकती है, वो भावनाएं भी हो सकती है। आपको याद होगा बहुत पहले एक फिल्म आई थी पीके, हमारे बहुत ही अच्छे कलाकार हैं आमिर खान सर की, उनकी एक फिल्म आई थी पीके। उसमें एक सीन था जब शंकर जी दौड़ते दौड़ते बाथरूम में चले जाते हैं, यह भी तो किसी की भावनाएं थी। मैं कभी भी ये नहीं बोल रहा हूं, और मैं इसका समर्थन भी नहीं करता हूं कि किसी भी बात पे किसी भी बात को आप किसी चीज से जोड़ दो, लेकिन जब आप किसी चीज पे बात करते हो तो उसके विषय को आगे और पीछे दोनों प्रस्तुत करना चाहिए। बहुत लोगों ने उनके ट्वीट पे भी, उनके चीजों पे भी और सारे फिल्मों के नाम डाले हैं। उस फिल्मों में उन्होंने पीके को और बहुत सारे फिल्में को टैक्स फ्री दिया है। उन्होंने एक लाइन बोला कि यूट्यूब पे डाल देते, नो डाउट यूट्यूब पे आएगा ही या आ ही गया होगा, या यूट्यूब पे आएगा तो हर देखना तो हर एक जनता चाहती है।
जिस दिन वो रिलीज हुआ था उस दिन द कश्मीर फाइल्स जब रिलीज हुआ था तो शायद रिलीज के दिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भी पता नहीं था कि ये भावनाएं से जुड़ जाएगी या किसी बात से जुड़ जाएगी या कुछ होगा या नहीं होगा जो भी है। लेकिन कलाकार और फिल्म, फिल्म हर एक विषय पे बनती है, फिल्म हर एक विषय पे बनती है, इसके पहले भी बहुत सारे विषय पे फिल्म बनी है। तो आपने इतने सारे फिल्म पे विषय पे बनी है उस विषय पे आपने कभी क्यों नहीं बोल दिया? क्योंकि आपको भी लगता है, आप एक इतने बड़े पद पे हैं, बट फिर भी आपको भी लगता है कि आज इसकी कहीं ना कहीं ये लोगों के बीच में चर्चा के विषय है। आप पीके फिल्म पे बोल दिए होते, बहुत सारे फिल्में आई है, आप बोलते हैं कि भावनाएं, तो भावनाओं को देखना और सुनना इस विषय में तो बहुत सारी फिल्में आई है, बहुत ही सारी फिल्में आई है। हमारी किसी फिल्म को लेके, किसी बात को लेके, किसी मजहब को लेके, किसी सिस्टम को लेके बात नहीं है। आप सोशल मीडिया पे बोलते हैं तो आपको यह भी पता है कि बहुत सारे बिना माथा के लोग भी हैं जो उल्टा सीधा गाली गलौज लिखते रहते हैं, तो क्या उनको उनको ठेकेदारी थोड़े मिली है गाली देने के लिए? ठेकेदारी नहीं मिली है। अपनी बात रखने की दो तरीका होता है, या तो आप अश्लील तरीके से रख दीजिए या तो सही तरीके से रख दीजिए। उन्होंने अपने बातों को रखा, उनका अपना बात रखना था, सबका अपना अपना सोच है। मेरा सिर्फ यही मानना है और मेरा सिर्फ यही समझना है कि किसी चीज के ऊपर कुछ भी आप बात कीजिए, लेकिन किसी को भी छोटा बोल देना, छोटा बोलने का आपको हक नहीं है, वो चाहे कोई भी हो। किसी को छोटा बोलने का हक नहीं है, भले ये बात जो हमारे दर्शक हैं सुन रहे हैं, जो गंदा वंदा मैसेज भी लिखते हैं, बहुत सारी उल्टा सीधा बात लिखते हैं, उनको ही उनके पड़ोस वाले अगर बोल दे, अगर जो लोग उल्टा सीधा गंदा मैसेज करते हैं उनके पड़ोस में उनका कोई मित्र साथी बोल दे कि भाई आप बहुत छोटे हो, आप मेरे सामने खड़ा मत होना, बुरा लग जाता है ना, आपको बुरा लगता है। क्योंकि किसी को भी छोटा बड़ा भगवान बनाता है, छोटा बड़ा बनाने वाले ईश्वर के जितने भी स्वरूप हैं वो बनाते हैं। आदमी बड़ा छोटा किसी को नहीं साबित करेगा, क्योंकि आप किसी को ये बोल देते हो कि छोटी, अरे सर समय है, आप भी, आपको भी हम लोग देखे हैं, ऐसा नहीं है। आप ठीक है, आज हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, आप एक स्टेट के, आपका एक आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन याद रखिए कि आपको भी हम लोग जानते हैं अन्ना जी के थ्रू। जब अन्ना जी ने आंदोलन किया था, जब अन्ना जी का आंदोलन शुरू हुआ था, वहां से हम लोग आपको जाने कि आप केजरीवाल जी हैं। आप भी उस टाइम जब अन्ना जी के पीछे बैठे थे या साइड में बैठे थे या आगे बैठे थे, तो आप भी जरा याद कर लीजिए कि आप कैसे बैठे थे उस टाइम, किस तरह से आप बैठे थे। ठीक है, ये तो समाज है, यहां पे तो बातें आप छेड़ देंगे तो 100 लोगों में, आज का जो डिजिटल का जो टाइम है इसमें माना जाता है कि बात अच्छा हो या बुरा हो उस पर 50% निगेटिव लोग बोलते हैं, 50% सही बोलते हैं। ये बात सही है, गाली देने वाले को भी अंदर अपने आप में महसूस है, गाली देने वाले को भी अंदर महसूस है कि बात आप 1000 अच्छा बोलिए, मुझे किसी भी बात से आपत्ति नहीं है। आपने बात YouTube पे डालने को बोला, वो सब अपना काम है, वो सब प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबका अपना अपना काम है कि अपनी चीजें कहां डालना चाहिए, लेकिन ये बात सच है कि आपको किसी की भावनाओं को छोटी बोलने का या किसी के काम को छोटी बोलने का या किसी के मेहनत को छोटी बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप गॉड नहीं है, आप भगवान नहीं है। छोटा बड़ा का डिसीजन आप नहीं लेंगे, छोटा बड़ा का डिसीजन यहां देखने वाले सुनने वाले करोड़ों हजारों दर्शक बंधु हैं। कलाकार क्या है, कलाकार का सब परिवार है। हमको लोग बोलते हैं कि आप ये वो बात करते हैं, हमको मैंने बोला ना, आप सबसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, मुझे किसी भी भावनाएं, किसी भी राजनीतिक बात, किसी भी चीजों से मतलब नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर मतलब है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी ये चीज चलता है, तो भले हम लोग नहीं बोल पाते हैं लेकिन दुख लगता है। क्या बड़ा छोटा, क्या जात पात, कुछ नहीं, हम सब एक है, हमारा एक परिवार है। हम किसी के घर पे शो करने जाते हैं तो हम
कोई माँ आके बोलती है कि बेटा ये रोटी सब्जी खा लो, तो उस माँ से हम नहीं पूछते हैं कि माँ ये थाली कौन सा है और आप कौन सा, हम सिर्फ जानते हैं कि माँ है। मैं कोई विवाद में नहीं पड़ रहा हूं, ये जिसको लग रहा है, तो अगर नहीं बोलना ही विवाद है और बोलना ही विवाद है, तो फिर विवाद का मतलब क्या है कि तब आप मत नहीं बोलिए, तब आप कुछ कहिए ही मत। तो यही तो चल रहा है, जब जिसको जैसे मन करता है कुछ भी कहता है बोलता है। मेरी बात समझ में आएगी जब आप मेरी बात को सही ढंग से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आएगी। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपनी सिस्टम पे बात कीजिए, हर बात बताइए। जैसे हम लोग लाइव आते हैं तो अपने गाने के बारे में, अपने विषय के बारे में बात करते हैं, लेकिन आप किसी को भी किसी की भी भावनाओं को छोटा क्यों बोल सकते हैं? आप किसी को अहित क्यों कर सकते हैं? वो जब बना रहा था तो आप उसको मदद करने गए थे फिल्म बनाने में, आप चाहे कोई हो। बड़ी बड़ी बातें तो अपने अपने पब्लिकसिटी और पब्लिक पॉपुलरिटी के लिए लोग बोल देते हैं। कलाकार के साथ तो बस एक ही है कि कलाकार को जब मन करे तब कला के ऊपर, फिल्म के ऊपर, समाज के ऊपर, किसी चीज के ऊपर बोल देना है। जब कोई फिल्म बनाता है, 6-6 महीना 7-7 महीना भरे धूप में शूट करता है, काम करता है, मेहनत करता है, तो कोई बनाने जाता है, कोई बताने जाता है। वो चाहे कोई फिल्म हो, उसको आप चाहे जो भी तरीका दे, फिल्म को जो भी तरीका दे, आपको जो भी तरीका देना है वो अलग बात है। बट क्या कोई मेहनत करता है? हम गाने बनाते हैं, दिन दिन रात मेहनत करते हैं, तो कोई साथ में बनवाने आता है? नहीं आता है। जबरदस्ती की हद हो गई है आज सोशल मीडिया पे। मैं उन सभी मित्रों से सवाल करता हूं जो गलत गलत गाली लिखते हैं, जाति विशेष बात करते हैं, दुनिया भर के ड्रामेबाज कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी चीजें करते हैं, लेकिन आप एक बात बताइए कि आप ही का मेहनत को, आप ही खुद मेहनत करिए। आप बहाली में दौड़ते हैं ना, आपका नौकरी नहीं होता है, आपके गांव का एक लड़का बोल देता है कि तू, तेरे से नौकरी नहीं होगा, आपको कितना गंदा लगता है? पहली बात कि हम ना कोई अंधभक्त है, न ही हमारी भक्ति सिर्फ ईश्वर के प्रति है, महादेव के प्रति है, माँ वैष्णो देवी के प्रति है। इस दुनिया में हम किसी के भक्त नहीं हैं, हमको ईश्वर ने भेजा है। हम अगर भक्त हैं और हमारा कोई भगवान है तो वो हमें सुनने वाला, हमें प्यार करने वाला मेरा करोड़ों जनता है। इसके बाद हम किसी को अपना भगवान नहीं मानते हैं और ना ही हम किसी के भक्त हैं। ये आपको मैं 100% नहीं, 1000% सही बता दे रहा हूं। मैं किसी का भक्त नहीं हूं और किसी की औकात भी नहीं है मुझे अपना भक्त बना लेने का, क्योंकि मैं भक्ति में नहीं, मैं काम में और सिर्फ अपने मेहनत पर भरोसा रखता हूं। पूजा कुमारी जी, मैं लोगों के बातों पर ध्यान नहीं देता, लोग तो अपनी बात बोलेंगे। मैंने आपको बोला ना, ये सोशल मीडिया है, यहां पे 50% गाली पड़ेगी, 50% लोग जो बुद्धिजीवी है वो बात को समझेंगे, जिनके पास दिमाग नहीं है तो उनको क्या है, उनको तो एक अपना तार उठा लेना है, घुमाते रहना है। सोशल मीडिया पे पैसा थोड़े लग रहा है, लेकिन सोशल मीडिया का मतलब सिर्फ माइनस बात ही नहीं है, प्लस बात भी होता है। सोशल मीडिया का मतलब ये होता है कि उस पे अच्छी बात भी रखनी पड़ेगी। अगर कोई बात विषय, ठीक है, मेरे दिल में बात आया है तो मैंने अपनी बात रखा अपने दर्शकों के बीच में, उसका अच्छा बुरा समझना, सोचना, परिणाम निकालना, वो हमारे दर्शक बंधु का काम है। लेकिन आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको 2-3 मामलों में क्लियर कर दे रहा हूं। राकेश मिश्रा को इस धरती पे तो कोई अपना भक्त नहीं बना सकता, पहली बात। प्यार दे सकता है, प्यार में पागल हो सकता हूं, भक्त और भगवान, भगवान ऊपर हैं और हम नीचे हैं। दूसरी चीज, हम पूर्वांचल से लेके, बिहार से लेके, जितने भी भोजपुरी भाषा के सुनने वाले लोग हैं, जो भोजपुरी गाना भोजपुरी भाषा के ना होकर भी सुनते हैं, मैं उन सबका इकलौता एक लड़का हूं और परिवार हूं कि मैं सबका हूं। मेरा किसी भी विषय से, किसी भी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना काम करता हूं। और धन्यवाद उन सब महान लोगों को जो सोशल मीडिया पे, हम तो मनाते हैं कि हे ईश्वर, जो गंदा गंदा गाली लिख रहे हैं उनकी बुद्धि इतना भ्रष्ट करो कि कुछ दिन बाद अपने घरों में गारिये देते रहे सुबह शाम, क्योंकि उनको जीवन में इंसान नहीं बनना है। और आजकल किसी ने बोला था ना कि सोशल मीडिया का मतलब है कि अपने अपने बंद कमरे में कुछ भी लिख देना है, करना क्या है? औकात तो पता चलेगी जब सामने एक बार आंख तो उठाओ,
अब समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि विषय पे अगर सब लोग का बोलने का अधिकार है तो विषय मेरा एक ही था, मेरा विषय किसी बात का उपहास करना किसी को लेके किसी के सपोर्ट में किसी के विपक्ष में नहीं था। मेरा कोई सपोर्ट विपक्ष नहीं है, मेरा सिर्फ एक बात था, आप भगवान नहीं हैं, आप छोटा बड़ा नहीं बता सकते हैं किसी को, आप छोटा बड़ा किसी को नहीं बता सकते हैं। इस दुनिया में जितने लोग धरती पर पैदा हुए हैं उनका मालिक एक ही है जो ऊपर बैठा है, उनका मालिक एक ही है। और कुछ गंदे विचार के लोग जो हमारे सोशल मीडिया पे बार बार लिख रहे हैं कि जातिवाद ना करो, आपकी घटिया सोच आपको मुबारक, आपका वाहियात सोच आपको मुबारक, क्योंकि आप सारी बातों को जातिवाद में ही जोड़ते हैं, आपके जीवन में दूसरा काम नहीं है, आपके अंदर इतना दम नहीं है कि पसीना बहा के आप कुछ अच्छा कर लीजिए, आप खाली बकबक भाषण दे सकते हैं और घटिया तरीके के मानसिकता में आप जीने वाले लोग हैं जो भी गंदे विचार और गंदी जातीयता जात पात का बात सोशल मीडिया पे करते हैं। मैं इस चीज का विरोध करता हूं और करता रहूंगा। मुझे अपने भाषा से, अपने करोड़ों फैन से मुझे प्यार है और मुझे किसी से भी नफरत नहीं है, किसी से भी नफरत नहीं है। मुझे व्यक्ति विशेष से नफरत नहीं है, हाँ व्यक्ति के विचार से नफरत हो सकता है, उनके लिखावट से नफरत हो सकता है, उनके गंदे सोच से नफरत हो सकता है, हर्ष त्रिपाठी जी आपका मैसेज पढ़ा कि आपकी बहन सीबीएसई में पढ़ती है और गाने सुनती है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। लेकिन अभी जो विषय है कि मेरा एक ही लाइन था और है और इस पर मैं स्टैंड हूं। अगर किसी को लगता है कि आप मेरे सोशल मीडिया पे कोई अनर्गल बात लिख देंगे, जाग को गाली लिख देंगे, तो मैंने राकेश भैया को या राकेश मिश्रा को नहीं, मैं स्टैंड पे हूं। आप माननीय हो चाहे आप कुछ भी हो, आप मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, कोई भी हो इस धरती का व्यक्ति, आपको हर बात बोलने का अधिकार है। लेकिन किसी का उपहास करने का, किसी को छोटा बोलने का आपको अधिकार नहीं है, चाहे इसके लिए कितना भी वो क्या है, वो जो उल्टा सीधा मैसेज करते हैं वो तो मजे लेते हैं, उनको तो दो चार दिन मजे लेना है, उनको तो दो चार दिन मजे लेना है और क्या करना है। उनको तो पता है कि सोशल मीडिया पे अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं आया है कि गाली लिखने पे क्या बोलते हैं बैन हो जाएगा, चाहे गाली देने गाली लिखने पे जिस दिन ऐसा कानून आ गया कि सोशल मीडिया पे एक भी शब्द गलत लिखने पे आपका आईडी ही उड़ जाएगा, देखिए सारे लोगों का दिमाग ठिकाना आ जाएगा। जितने बकचुनहर महाराज हैं हाँ, जिनको बुद्धि से लेना देना ही नहीं है, बस सोशल मीडिया का मतलब जानते हैं कि आजकल क्या करते हैं, सुबह आंख खोलते हैं सोशल मीडिया का मतलब उनको पता है बस गाली लिखना है, यूट्यूब पे गाने आए भोजपुरी का तो भी गाली लिखना है, कलाकार लाइव है तो भी गाली लिखना है, कुछ भी हो ऐसे ही गाली लिखते लिखते अपने घर में ही एक दिन सुबह सुबह उठेंगे तो गाली देने लगेंगे। हम अपनी बात रखे हैं और रखेंगे और शालीनता के साथ रखे हैं। हमने एक ही लाइन में बोला कि ना मुझे किसी बात का विरोध है, ना किसी भी धर्म जाति विशेष का उपहास करने आता है, हम एक कलाकार हैं, हमारा काम है सबसे प्यार लेना, सबको प्यार देना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि सब बातें ठीक है, हर व्यक्ति का अपना अपना फील्ड है, राजनीति है, कलाकारी है, हर काम करना अलग है, कोई इंजीनियर है कोई डॉक्टर है, सबका जीवन है। लेकिन कोई भी किसी भी विषय में किसी का उपहास करे ये अच्छी बात नहीं है, वो चाहे कोई हो, वो लोग कोई भी हो, किसी को छोटा बोलना, किसी को हीन भावना से देखना, आपको क्या लगता है? ये जो इतने बड़े मंच पे केजरीवाल जी बोल दिए छोटी फिल्म छोटी फिल्म छोटी फिल्म, वो डायरेक्टर हैं कि प्रोड्यूसर हैं? कभी जीवन में फिल्म बनाए हैं वो? जिस दिन फिल्म बनाएंगे ना उस दिन उनको समझ में आएगा कि फिल्म बनाने में कितना कष्ट होता है। आपको क्या लगता है, एक गाना रिलीज ऐसे ही हो जाता है?
ऐसे नहीं होता है, बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है। ब्रिजमोहन दास बाबा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नमस्ते। वो फिल्म नहीं बनाए हैं, वो अन्ना जी के पीछे बैठे थे, अन्ना जी के साथ दुनिया में पब्लिसिटी मिल गई, उनके विषय में भी जानिए। आप जो अंधभक्त अंधभक्त बोलते हैं ना, तो हर व्यक्ति के विषय में अगर जब जानने को आपको अधिकार है तो हर व्यक्ति के विषय में आगे पीछे दोनों जानिए। हमको लगता है कि हमको तो आप जो भी बोल रहे हैं हम आधा अधूरा जानकारी पे नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो हमारे सोशल मीडिया पे बकबक कर रहे हैं ना, वो आधे अधूरे जानकारी पे बात कर रहे हैं। एक बात आपको मैं बता दे रहा हूं, केजरीवाल जी का जन्म जिसके थ्रू हुआ उसी बाप के केजरीवाल जी नहीं हुए, अन्ना जी ने जन्म दिया केजरीवाल जी को। अन्ना जी को क्या कर दिए, इसलिए किसी को कुछ भी। और हमारा, हमको आप बोल रहे हैं तो हमारा क्या है, हमको हमारा तो बस, हमारा जीवन चलाने वाला तो एक ही है, हमारा जीवन चलाने वाला एक ही है, वो है हमारा श्रोता बंधु, वो है हमारे भगवान, वो है हमारे सुनने वाले, हमारे मित्र साथी। मैं मानता हूं कि वो किसी विषय पर नाराजगी में हो सकता है कि मुझे 10 प्रकार की उल्टा सीधा बात लिख दे, लेकिन अगर वो इंसान है, उनके अंदर इंसानियत है और मेरे गीत अच्छे हैं, मेरे भाव अच्छे हैं, मेरे बात अच्छे हैं, तो वो दिल से जरूर सुनेंगे, आशीर्वाद जरूर देंगे। हो सकता है 10 मिनट आपके बहकावे में वो मेरे लिए कुछ गंदा पोस्ट कर दे, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी दिन उनके दिल में जगह बनेगा जब मेरा, जब उनको समझ में आएगा कि नहीं मेरा भाई सही है, तो सही है, तो फिर वो हो सकता है कि हमारे सपोर्ट के लिए 5 बातें भी लिखेंगे। इसलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी जितने भी लोग हैं वो कभी बुरे नहीं होते हैं। बुरा विचार हो सकता है, समय हो सकता है, सिस्टम हो सकती है। मैंने इसीलिए किसी भी विषय पे, किसी के बात पे मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैं लाइव आने का मेरा मुख्य कारण था कि मैं सबको ये क्लियर करना चाहता था कि ना ही मुझे जातिवाद करना है, ना ही मुझे राजनीति करनी है, ना ही मुझे भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, मेरे लिए सभी एक बराबर हैं। लेकिन हम किसी को भी उपहास करने का, छोटा बोलने का कभी भी अधिकार नहीं समझते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, हो सकता है कि अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर मेरी बात को आप गलत तरीके से ले रहे होंगे, उस पर भी आपसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा कोई भी नहीं तिल दिमाग में कहीं भी, मैं उस टाइप का इंसान ही नहीं हूं। और अंत बात यही है कि मेरा भक्ति, मेरी माँ वैष्णो देवी, मेरे महादेव, मेरे माता पिता, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे पूर्वज, मेरे लोग, मैं उनकी भक्ति करता हूं। इसके बाद मैं किसी की भक्ति नहीं करता। और अगर एक रिश्ता है भक्त भगवान का, तो वो मेरे करोड़ों सुनने वाले दर्शक बंधु हैं, जिनको हम बोलते हैं दिल से कि नहीं ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे अच्छे बुरे दोनों में हमें साथ देते हैं, ये अच्छे हमें हमेशा हमेशा अपना प्यार आशीर्वाद देते हैं। संजीव मिश्रा जी, मैंने किसी को बुरा नहीं बोला है, मैंने वर्डिंग की बात की है। अगर वर्डिंग पे बात बोलना गलत है तो हां मैं गलत हूं, लेकिन किसी को अधिकार नहीं है मुझे छोटा बोलने का। छोटा बड़ा भगवान बनाएगा, ईश्वर ऊपर बैठा है। आप किसी का उपहास करोगे, आप इतिहास में याद रखना, जिसका जब भी कोई मजाक उड़ाया है, जब भी जिसका कोई निंदा किया है, जब भी जिसको कोई जो भी बोला है, याद रखिएगा, बोलने वाले का ही खुद आप देख लीजिएगा हाल किसी दिन, आपको पता चल जाएगा। आप अपने गांव में ही देखिए ना, किसी बच्चे का आप मजाक उड़ाते हैं, वो कल इंजीनियर बन जाता है और आप जिंदगी भर बैठ के ताशे खेलते हैं, क्योंकि ईश्वर ना देखता है। भगवान ने, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इस दुनिया में अगर सबसे कोई खराब चीज है तो किसी का उपहास करना, किसी का मजाक उड़ाना। इसलिए मेरे दोस्तों, हमको किसी भी बातों से, किसी भी राजनीति चीजों से, किसी बात से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर आप कलाकारी के ऊपर, फिल्म के ऊपर, फिल्म उद्योग के ऊपर बोलते हैं, तो प्लीज अपनी आप हर एक बात रखिए,
लेकिन किसी को उपहास मत करिए, किसी के मेहनत को नहीं, किसी के मेहनत को आप उपहास मत करिए बस। और मेरा कोई भी बात नहीं है, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी। आप लोग का प्यार आशीर्वाद इतना ज़्यादा हमेशा मिलता है, मिलता था, मिलता रहेगा। इसी कामना के साथ मैं आप सभी मित्रों से बोलता हूँ कि कहीं भी मेरी बातों को किसी भी गलत वे में आप लेके अपने दिल में मत रखिएगा। मैं आपका भाई हूँ, था, हमेशा रहूँगा, और मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू ऑल, थैंक यू।